वीडियो के लास्ट में यार सीख भी हमारे लिए भी हो गया और लोगों के लिए भी हो गया ना। अब कुछ तो नया पता नहीं, झगड़ रहे या बात कर रहे, फेल होने का तो रिस्क तो हमेशा ही रहेगा ना, पर हम अच्छे ब्रांड जहाँ से हम लोग मतलब बहुत बड़ा अच्छा ब्रांड है एग्रोल के लिए, वहाँ से लेके आया और दूसरा एक स्ट्रीट वेंडर से लेके आया, मतलब जैसे हम लोग हमेशा खाते हैं एग्रोल, तो मैं बोल रहा हूँ कि घर पे बना लेते हैं ना, लेकिन ये नहीं बना रहा भाई, क्या करूँ मैं, ये बोलता है कि नहीं ऐसे ही कर, बोलता है एक्सपेरिमेंट कर देख, कुछ नया ट्राई करेगा, चैनल पे नया अच्छी चीज़ भी आएगी, हमेशा एक चीज़ पे मत रहे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाली, इस वीडियो के लास्ट में हमें नया सीख मिलेगा, इसीलिए मैं ये जो नया एक्सपेरिमेंट है ये रन करने को कह रहा हूँ, तब मजा आएगा। ये बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है योगेश, बहुत बड़ा रिस्क है, मर्डर हो जाएगा दो चार लोगों का। ठीक है चल, अब ये देख आज ये बोल रहा है ना, चलिए तो चलो इरा विरा छोड़ो, और आज हम कुछ नया प्लान किया। आज मैंने क्या प्लान किया है आप लोग सुन के थोड़ा हैरान रहोगे, आज मैं घर पे कुछ नहीं बनाने वाला, ब्लॉगिंग किचन का मतलब थोड़ी ना कि घर पे हर बार बनाओ। आज मैं दो अलग अलग जगह से एक ब्रांड, अच्छा वेल एस्टेब्लिश ब्रांड से लेके आएंगे, वेल एस्टेब्लिश स्पेलिंग बोल जरा, अरे सर यार छोड़ो ना यार, क्या यार खेल ही नहीं रहा यार, छोड़ो यार मत यार, चल चलो। तो हम लोग दो क्या लेने वाले हैं, हमारा आज बजट थोड़ा अच्छा है, आज क्या करेंगे, आज जाएंगे एक अच्छी जगह से ना, एक एग्रो लेके आएंगे और एक स्ट्रीट वाला, जो हम लोग बोलते हैं, मैं जैसे बोलता हूँ कि स्ट्रीट वाले का खाना सबसे अच्छा होता है, तो एक स्ट्रीट जगह से भी एक अच्छा सा मैं एग्रो लाऊंगा, लेकिन तीन लाऊंगा उसी प्राइस में, और फिर टाइम नहीं लगता, मैं आज कंपेयर करूंगा और देखूंगा, ये कुछ अलग एक्सपेरिमेंट जैसा है, लेकिन आपको मजा उससे भी ज्यादा आएगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। एंड तक मत देखो बे तुम लोग, चलो आप लोग को अभी मैं लेके आता हूँ, देखो मैं ब्रांड का नाम दोनों छुपा दूंगा, आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि ये कौन सा नया एक्सपेरिमेंट है, आपको लास्ट में मजा आएगा कि ये जो लास्ट का जो एक्सपेरिमेंट का जो मजा आएगा, कर ले रहे पहले ये कर ले रहे, और आप लोगों को लास्ट में पता चलेगा कि इसमें क्या मजा है क्या सीख। नहीं लेकिन ये वाला मेरे को भी अच्छा लगा सुन के कॉन्सेप्ट, जैसे एडिटर हटा दिया तो ठीक है, नहीं हटाया तो, लेकिन आज आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आज प्रतीक में इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, प्रतीक का मैं दिखाता है, देखो टनंग 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 दिख रहा, मुनि दिख रहा, टनंग का प्राइस बढ़ने के वजह से योगेश ने एक अच्छा सा इन्वेस्टमेंट किया मेरे हिसाब से, ये है ये साइकिल जो कि है एक इलेक्ट्रिक साइकिल, हीरो का इलेक्ट्रो सीरीज है, देख स्पॉन्सर्ड नहीं है वीडियो, स्पॉन्सर कर दो ना भाई इलेक्ट्रो भाई यार, मैं आपको मेल करूँगा यार, तो आप लोग भी इसे ले सकते हो एक रिप्लेसमेंट के जैसा, जैसे कि उसके से एक स्कूटी भी है और अभी साइकिल भी उसने लिया है। आने वाले हम लोग व्लॉग में इसी साइकिल से बनाते रहेंगे, तो आपको पता चलते रहेगा कि ये साइकिल कैसा है, क्या 30,000 रुपये वर्थ है कि नहीं है, वैसे किसी वर्थ नहीं है तो अभी तेरा ही नुकसान है भाई, मेरे को तो कुछ बोलो मत, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ ये साइकिल में मज़ा पता है क्या, हाँ 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 ये बटन दबाऊंगा, ये लाइट ऑन हुआ, यहाँ पे मैं ऐसे थ्रॉटल जो है भाई, थोड़ा उठाना साइकिल भाई, साइकिल उठाना भाई, हाँ यहाँ पे मैं यहाँ पे थ्रॉटल घुमाऊंगा और ये साइकिल का पैडल घूम रहे हैं, मजेदार, लेकिन ये मेरे घर पे कैसे आया साइकिल, बाहर रखा है ना, डर लगता है क्या, 30,000 का भाई डर तो लगेगा ना, डर है भाई बल्कि 60,000 का स्कूटी को बाहर रखे, रूम 4 का स्क्रिप्ट इसके ऊपर ही ना बन जाए, बाहर आ चुके हैं जैसा आप देख सकते हो, और हम लोग ने वीडियो स्टार्ट कर दिया है, मेरा साइकिल इसलिए नहीं लाए क्योंकि भाई साइकिल में सामान आ नहीं सकता, 30,000 का भाई डर, 30,000 का भाई डर, जाएंगे वीरा रोड, वहाँ पर वो कौन सा नाम था यार, क्या बता रहा था, रोड हम लोग वहाँ पे जाएंगे जो कि एक फेमस दुकान है, तो देखते हैं आगे क्या क्या मिलता है वहाँ पर, मैंने सुना है कि प्राइस वहाँ का बहुत हाई है, लेकिन
एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ट्राई करने के लिए वो कहते हैं वो कर सकते हैं ट्राई, मतलब वो उतना हाई होने के बावजूद उसका मतलब लेकर उसका टेस्ट करने पर वो क्या इतना अच्छा है कि नॉर्मल स्ट्रीट वेंडर से काफ़ी अच्छा बना है। हाँ, बोल सकते हैं कि स्ट्रीट वेंडर उनकी हाइजेनिक की क्वालिटी अलग होगी, उसके अंदर उन लोग प्रोडक्ट जो यूज़ करते हैं वो भी कभी अच्छी क्वालिटी होगी, पर लेकिन जो हम लोग नॉर्मली हम लोग खाते की वेज अच्छे टेस्ट के लिए, और वो अच्छा टेस्ट का वर्थ है वो चीज़। चलो यही एक सवाल। हाँ हाँ प्रसाद, तुम हम उतरने के बाद कंटिन्यू करना। हम लोग हाईवे पे आ चुके हैं और यहाँ पर देखते हैं कि क्या अभी भी मेट्रो बन पाया है। तो हम लोग मीरा रोड में आ चुके हैं और अब लोग अभी उसी स्टोर में जा रहे हैं। तो हम लोग इस स्टोर पे आ चुके हैं और चलिए देखते हैं कि ये स्टोर कैसा है। हम लोग ने एग रोल ऑर्डर कर लिया है, एग रोल दो ऑर्डर किया है, 50 रुपीज़ का एग रोल था। और ये बंदा पता नहीं भूत जैसा क्यों बैठा हुआ है, क्या हो गया योगेश, क्यों बैठा हुआ है? ऑफकोर्स आ रहा होगा, और नहीं आ रहा होगा तो नहीं आ रहा होगा तो देश बदल रहा है, देश में आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर क्या करना है, क्या खाओगे कि नहीं फिर एग रोल? खाने के लिए लेके जा रहे हैं ना, और लोगों को दिखाने के लिए कि कैसा है यहाँ का सामान, इसीलिए लेके जा रहे हैं ना। यहाँ पर ले लिया है एग रोल। मास्क कौन पहनेगा वे? मैंने ये चीज़ देखा कि इनका एग रोल काफ़ी बड़ा था कंपेरेटिव। हाँ, और वहाँ से भी स्ट्रीट से भी कंपेयर करते हैं कि कौन सा कैसा है। यहाँ पे मुझे ये एग रोल 50 रुपये का पड़ा, इसलिए मैंने दो ले लिया। हमने हम आपको रियल बात करते कि हमने उम्मीद किया था कि 99 से यहाँ पे स्टार्ट होगा, पर 50 में भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। 90 रुपीज़ का तो यहाँ पे चिकन एग रोल था जो मेरे को लगा काफ़ी वर्थ इट था। मैंने एक और जगह से खाया था, वहाँ पे काफ़ी महंगा था। कभी किसी और दिन वहाँ से भी ले लेंगे। अभी पीछे आप देख सकते हो कि कौन है, ज़्यादा कम बात करने का भाई। छुपा छुपा ब्रांड नहीं दिखाना है। और क्या बोल रहा था, एक मैंने नॉर्मल जगह से एक मैंने एग रोल लिया है जहाँ से हम लोग हमेशा खाते हैं, एक स्ट्रीट से, और ये एग रोल मेरे को 25 रुपीज़ में पड़ा है। और ये एग रोल में आप देख सकते हो कि इसकी हाइजेनिक क्वालिटी कैसा है, लेकिन कंपेयर करने वाले घर जाके। घर आ चुके हैं और ये यहाँ पे कुछ लाइव डिस्कशन हो रहा है मजेदार। तैयारी हो रही है कैमरा की। प्रतीक, आपको क्या लगता है भाई? लग रहा है कि शक्ति अंकल जरूर जीतेंगे। देखते हैं, देखोगे ना आपको पता चल जाएगा कि शक्ति अंकल का देखो सकते हैं टेस्ट, लेकिन बोलते ना चुम्मेदार टेस्ट है, लेकिन मजेदार तो देख के लगता। लॉर्ड्स ऑफ हेलो, हम देखते हैं कि कौन सा अच्छा बना है। सब लॉगिन करें। और ये जो है ये उन्होंने लॉर्ड्स ऑफ रोल से लिया है, और ये 50 का पड़ा है। फिर और ये दोनों सबसे पहले देखो साइज, दोनों में एक एक अंडा डाला है, ज्यादा अंडा नहीं डाला है, सब दोनों में इक्वल अंडा है। और दूसरा इसका थोड़ा साइज बड़ा है, पर इसके अंदर अंडा कम है और इसके अंदर ज्यादा है। और दोनों का मतलब एक चीज बहुत गंदा लगा कि दोनों लोगों ने कोई चटनी नहीं दिया, अंदर इसने डाल के दिया, इनमें अंदर इन्होंने मेयोनेज़ सब डाल के दिया। चटनी नहीं दिया तो क्या हो गया? हमारे पास है चटनी और ये है चीज डिप, डालो खाओ। A few moments later, रुक मैं देखता हूँ। ओ बैग शुगर अपना, रुक चलो। चलो प्रतीक आ गया है। प्रतीक देखो
सबसे लास्ट एक सवाल पूछता हूँ, ये दोनों मिला के 25 रुपए का बना है, 25-25, 50 रुपए, ये 50 का एक है, इसमें 2 अंडा है, अरे कहना क्या चाहते हो, और इन दोनों का हाइट देख लो इक्वल है, ये बड़ा बन गया ना फिर कंपेरेटिवली उस प्राइस में, राइट। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ब्रांड ने कुछ थैली एक्स्ट्रा देने के लिए अच्छे से पैकिंग करने के लिए नाम के लिए थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा ले लिया। Why are we still here? Just to suffer. Every night, I can feel my... ठीक है, पहला तो मेरा ये सवाल था, दूसरा कि अभी इन दोनों में टेस्ट कैसा है, सेम है कि ज्यादा बेहतर है, ये हम लोग टेस्ट करके देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला ये वाला फ्रेंकी खाते, सो इसका हम लोग करते, देखा आधा कर दिया यार दोस्त लोग, क्या हो रहा है, बजट कम है, बजट कम है दोस्त, बजट ये ले। और दोनों ने चटनी नहीं दिया है, जो कि हमने इसका अलग खर्चा किया है, चटनी का अलग से टैक्स वसूला जाता है, चटनी लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते। ऐसा है करने का, म्यूट पे दिखाना है कि झगड़ा वगड़ा हो रहा है और फिर आवाज चालू हो गया तो अरे अच्छा खाना है क्या खाना बनाया भाई, मतलब इतना अच्छा खाना है तो पता है इतना अच्छा बनाया खाना ये। अब ये उनका है, इसका आधा इसका देखे कंपेयर कर सकते हो कितना है इसका फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। इसमें लेकिन ये भी कि आधा खाने में थोड़ा पेट भरने जैसा भी लग रहा है, क्योंकि इसमें मैदे का रोटी ज्यादा है इसलिए क्या, हाँ देख क्योंकि इसमें मैदे का रोटी ज्यादा है ना, इसके वजह से ना इसमें आधा खाने में पेट भर जा रहा है ऑलमोस्ट। और देखो एक चीज बताता प्रतीक, तू सच बता, तूने ये चीज खाया, ये चीज तूने खाया, ये तूने 50 रुपए दिया, ये शायद 50 रुपए का वर्थ था, जरा भी नहीं, फिर भी अगर मैं इसको 35 रुपीज देता तो ये वर्थ था, हाँ तो ठीक था। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, देखो इन लोग ने ब्रांड के लिए या मतलब इन लोग ने एक अच्छे फ्रेंचाइजीज के लिए इनने जो 15 रुपीज एक्स्ट्रा लिया है, ये ऐसा नहीं कि इधर ही हो रहा है, काफ़ी जगह पे हो रहा है। पर लेकिन मेरे को एक छोटा सवाल था, जैसे स्टार्ट में आपने देखा रहेगा योगेश हमें चीज़ पर बात कर रहे थे कि एक्सपेरिमेंट क्यों चाहता है योगेश, तो और योगेश बोला मैं लास्ट में बताऊँगा, तो मैं उससे पूछ ही लेता हूँ कि क्या क्यों पूछूँ, मैं पूछूँ, चलो पूछ लेता हूँ इसका जवाब जो फाइनल कंक्लूजन है वो आपको यास्पिक पे मिलेगा, उसमें हम लोग डिटेल में बारे में बात करेंगे कि कैसे ब्रांड फोर्स करता है लोगों को ज़्यादा पैसा पे करने के लिए, वही नॉर्मल चीज़ों के लिए भी, तो उसको हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि कैसे ब्रांड और ब्रांड के वैल्यू के लिए हम ज़्यादा पैसा खर्च करने के लिए तैयार क्यों हो जाते हैं, और इसके डिटेल वीडियो आपको यास्पिक पे मिल जाएगा। तो यास्पिक में वीडियो मिल जाएगा ना, मेरा सवाल सबसे पहला ये है, सबसे पहला क्यों नहीं मिलेगा, इधर ही खड़ा हूँ, ठीक है। हेलो दोस्तों, सो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, सो आपको और ये वीडियो अच्छा लगा तो आगे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए यास्पिक को, द व्लॉगिंग किचन को, हाँ और उम्मीद करता हूं आपको कंपैरिजन अच्छा लगा होगा, बाय बाय गाइस।